सुदामा जी अपने घर से निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो भाव लिया कि आज मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है, तो मने मन सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, साधन है नहीं, तो योग माया को भेज करके जिस स्थान पे रात में ये सोए थे, रात में पता भी नहीं चला और योग माया ने इन्हें द्वारिका के निकट सुला दिया। प्रातः काल थके होने से उठे, लोगों से पूछा कि भैया एक बात तो बताओ कि द्वारिका नगरी यहाँ से कितनी दूर पड़े। बोले दादा आप बिल्कुल निकट आ गए हो, थोड़ी बहुत चलोगे तब आपके द्वारिका नगरी दिख जाएगी। हरे कृष्ण कहते फिर आगे बढ़े, द्वारिका नगरी के निकट पहुंच गए। फिर पूछा लोगों से कि क्यों भैया एक बात तो बताओ कि यही है द्वारिका नगरी। बोले हाँ ब्राह्मण देवता, यही विशाल काय नगरी द्वारिका ही है। तब एक तो बात बताओ कि द्वारिका धीश का महल यहाँ से कितनी दूर पड़े। बोले बाबा थोड़े से आगे चलोगे तो आपके द्वारिका धीश का महल दिख जाएगा। भगवान का नाम लेते लेते द्वारिकाधीश के महल तक पहुंचे। विशाल काय सोने से जटित नगरी थी, बड़े बड़े द्वारपाल और हाथी देवड़ी पे घूम रहे थे। द्वारपालों से जाकर के पूछा कि भैया यही है द्वारिकाधीश का महल। बोले हाँ ब्राह्मण देवता यही है, तो एक बात तो बताओ द्वारिकाधीश है यहाँ। बोले हाँ विप्रवर वो महल में विराजमान है, तो एक काम करो हो भैया उनसे जाकर के कहना कि तुम्हारे से तुम्हारा एक बचपने का मित्र मिलने आया है, और एक बात और सुनो यदि वो नहीं पहचान सके तो उससे कहना जाकर के कि तेरा बचपने का मित्र सुदामा तुझसे मिलना चाहता है। जब तू तकारे के शब्द पे आए तो पहरेदारों ने ऊपर से नीचे तक देखा कि साहब इमे का मित्र तो पहली बार देखा जो इतने रोब से द्वारिकाधीश से कहे, कि उससे कह देना वह नहीं पहचान सके तो कि तेरा बचपने का मित्र तुझसे। शंका बड़ी और फिर रुक गए पहरेदार। बोले बाबा एक बात कहें व्यम ब्राह्मण देवता, यदि आपके कहीं चाहिए हो तो आप बोल दो, द्वारिकाधीश की तरफ से कोई मनाई नहीं है। बोले भैया उससे कहना कि मैं मांगने नहीं आया हूँ, उससे मिलने आया हूँ। दूसरे द्वारपाल ने कही कि हो सकता है भैया अपने कृष्ण का क्या ठिकाना, कहीं की मित्रता होगी, चल संदेश दे देते हैं भगवान तक। द्वारिकाधीश पास संदेश देने गए तो ऐसा वर्णन है अतिशयोक्ति अलंकार में कि इतनी बड़ी द्वारिका थी कि एक पहरेदार घोड़ा पे बैठ करके गया था और संदेश लेकर के वापिस आया जब तक सुबह से दोपहर हो गई थी। अब साहब दोपहर का समय हो गया तो ये फिर घबराने लगे, तो ये तो वहां से उठ करके द्वारिका के बाजार में आ गए कि लोग बाग हंसेंगे नाम धरेंगे, यही सब सोच के मैं यहाँ नहीं आता था। पर द्वारपाल ने जाकर के कहा श्री कृष्ण जी से कि प्रभु आपसे कोई ब्राह्मण देव मिलना चाहते हैं। केशव ने कहा कि भैया द्वारिका के द्वार तो संत ब्राह्मणों के लिए 24 घंटे ही खुले हैं, उन्हें आज्ञा लेने की कहाँ आवश्यकता है। ऐसी बात नहीं है केशव, वह एक ऐसा व्यक्ति है गरीब जैसा है। बोले ब्राह्मण है गरीब कैसे कह सकते हो तुम। बोले ऐसा लगता है प्रभु की द्वारिका का नागरिक नहीं है, द्वारिका में तो कोई गरीब हो ही नहीं सकता, जो सोने के महल में रह रहे हैं वे कैसे गरीब हो सकते हैं। इतना जरूर है प्रभु कि बड़े रोब से वो कहता था
कि मैं तुम्हारे बचपन का मित्र हूं, और यदि वह नहीं पहचान सके तो उसे मेरा नाम बताना। क्या नाम बताया उसने द्वारपालों? भगवान को जब नाम सुनाया द्वारपाल ने तो तीन अक्षर थे, सुदा और माँ। तीनों नाम भी नहीं सुने थे कि भगवान झूले पे से दौड़ पड़े, भागने लगे, वक्ष स्थल से मालाएं टकराने लगी, मुकुट गिर पड़ा पृथ्वी पे, सारे पहरेदार पीछे दौड़ने लगे, आज ऐसा कौन सा मेहमान आ गया है। दौड़ते दौड़ते गए और सरे राय भगवान श्री द्वारिकाधीश ने द्वारिका के बाजार में सुदामा को गले से लगा लिया। हाय महादुख पायो सखा, अरे सुदामा तुम्हें कभी तुम्हारे श्री कृष्ण की याद नहीं आई? ऐसी बात नहीं है केशव, गोविंद बहुत याद आती थी, रोज याद आती थी, कभी मिलने की इच्छा व्यक्त नहीं करी। आज भी आए हो तो धर्म पत्नी के कहने से आए हो, सेवकों को आदेश दिया कि मेरे मित्र का स्वागत राजकीय सम्मान से होना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके पूरे महल को सजा दो। रथ में बिठाया भगवान ने और सुदामा को महल में ले गए। महल में ले जाकर के सिंहासन पे बिठाया और स्वयं चरण के पास बैठ गए। धर्म पत्नियों से कहा कि जल लेकर के आओ, मेरे मित्र के चरण लूंगा। तो ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि धर्म पत्नियां जल लाने में थोड़ी सी विलंब हो गया, देर हो गई, तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा निधान सुजान भगवान के आज नेत्र सजल हो गए। अब देखो साहब, धर्म पत्नी तो धर्म पत्नी है, मन में एक दो के भाव आ गए कि केशव प्रभु ऐसी कौन सी नाराजगी है जो आपने हमारे इस गंगा जल को तिरस्कृत कर दिया? इतनी भी जल्दी क्या पड़ी थी आपको? आपका मित्र ही है तो हम भी तो जल लेकर के आए थे। बोले देवी ऐसी बात नहीं है, मेरा मित्र ब्राह्मण है और मैं यदुवंशी हूं, ग्वाले कुल में, यादव कुल में, अहीर कुल में मैंने जन्म लेकर के आया हूं, और जब मैंने वामन भगवान के रूप में राजा बलि के द्वारा त्रिलोकी नापी थी तो ब्रह्मा जी ने मेरे अंगूठे के जल को धो दिया था, और अंगूठे के धोने से जो जल बना वह गंगा जी का जल बना। मेरे पांव की धुवावन से मेरे मित्र के चरण धोऊंगा तो इससे मुझे दोष लगेगा। ब्राह्मण को भीतर ले गए, सुंदर वस्त्र दिए, तिलक लगाया, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, माथे पे छह श्री था तो यक्ष श्री कर दिया। ललाट पटले, माथे की सब रेखाओं को भगवान ने बदल दी। भोजन कराने बिठाया, सुंदर पटा लगाया, आसन लगाया, और बात करने लगे कि दादा बहुत दिन के बाद मिले। बोले हाँ श्याम, बहुत दिन हो गए। तुम्हारे याद है दादा कि गुरुजी का स्वभाव कितना अच्छा था? बोले हाँ केशव, बहुत अच्छा था। तुम्हारे ये भी याद है कि गुरु माँ भी कितना प्रेम करती थी? बोले हाँ श्याम, बहुत प्रेम करती थी। तब तो तुम्हारे ये भी याद होगा सुदामा कि एक दिन बिना मौसम बरसात हुई, ठंडी ठंडी हवा चली, और गुरु माँ ने लकड़ी लाने हम सबको भेजा और आपको सबके हिस्सा के चना दिए थे। सुदामा जी का माथा नीचे हो गया। अरे श्याम, तू कहाँ पुरानी बात खोदे, कोई नई बात क्यों नहीं करे? तू अपने बारे में क्यों नहीं बताता? कितना बच्चे हैं, कितना बड़ा परिवार है, भौजाइयां कैसी है? पर थोड़ी देर होए और फिर कृष्ण जी वही बात निकाल ले। तुम्हारे याद है दादा कि एक दिन आपने जब चना लेकर के आए, आपके भूख लगी तो आपने एकले सब चना खा गए, और मैंने पूछा कि सुदामा
मेरे भी भूख लगी है तो आपने कह दी कि ठंड के कारण दांत बचते हैं, चना ना कुछ नहीं है। सभी धर्म पत्नी और सभासदों को हंसी आई कि बड़ा अजीब प्रेम है। हो पर सुदामा का माथा फिर नीचे हो जाए तो सुदामा जी से कहे कि देख मित्र, बुरा मत मानो, मुझे भी तो बुरा नहीं लगा। मुझे इस बात का बुरा लगा कि तुमने तुम्हारा हिस्सा खा गए, बुरा नहीं लगा। तुमने मेरा हिस्सा खा गए जब भी बुरा नहीं लगा। तुमने दोनों के हिस्सा खाने के बाद झूठ बोला कि ठंड के कारण दांत बचते हैं, तब भी बुरा नहीं लगा। और झूठ बोलने के बाद भी तुम कभी मेरी द्वारिका नगरी नहीं आए, तब भी बुरा नहीं लगा। और आज भी तुम अपनी पत्नी के कहने से आए, तब भी बुरा नहीं लगा। पर मुझे इस बात का तो अभी भी बुरा लगता है कि अभी भी कांख में छुपा के रखी है पोटली, और अब नहीं दोगे तो मैं छीन लूंगा। पोटली पकड़ करके छीनी और तीनों मुट्ठी चावल खेल गए। एक मुट्ठी खाई, दो मुट्ठी खाई और तीसरी में तो धर्म पत्नियों ने हाथ पकड़ लिया। अरे स्वामी, तीनों मुट्ठी खा जाओगे तो इस ब्राह्मण को क्या तीनों लोक का दान दे दोगे? उसी समय की बात है साहब की। देखो, भगवान ने कहा कि क्यों रस में विष डाल दियो, तूने खाए दियो मोहे एकही भंका। ओ भामनी मोई जिमाई, करे तू क्यों करे अपने जिए में शंका। ये ब्राह्मण लोग तो तृतीय को देते हैं, तू क्यों करे अपने जिए शंका। लोग कहें हरि भक्त दुखी, मुझसे सयो न जाइयो कलंका। ऐसा वर्णन है साहब की, तीन मुट्ठी चावल में ही सुदामा के जीवन को बदल दिया था। आज भी हम उन चावलों की कथा सुनते आ रहे हैं। कितना ही बड़ा कारज हो हमारे घर पर, कितनी ही व्यवस्था हो, आरती की थाली में कुकू चावल रखे बिना हम कोई काम नहीं करते। ब्राह्मण यदि कह दे जनेऊ नहीं है, ब्राह्मण कह दे फल नहीं है, तो वो कह देता है अक्षत चढ़ा दो। उन अक्षतों ने जब से लेकर के आज तक हमारी सबकी क्षतिपूर्ति करी है। इसलिए साहब, भगवान का दिया हुआ भगवान को दो। दुविधा और सुविधा के कारण सुदामा नहीं जा पाए। भले इनके मन में दुविधा रही, पर श्री कृष्ण ने भरपूर सुविधा दी भगवान की कृपा से। सुदामा प्रसन्न होकर के अपनी सुदामापुरी में रहने लगे। इसलिए भगवान को इन्होंने अपने वशीभूत किया, भक्तों ने प्रेम से किया, और प्रेम से ही हम भगवान के वशीभूत हों। इसलिए आपसे कही थी कि देखो, भगवान से सीधा संबंध रखना चाहिए, बीच वालों के चक्कर में नहीं पड़ना। बारात में आपसे कहा कि दूल्हा और दूल्हा का बाप कभी उपद्रव नहीं करता। सारे उपद्रव कौन करते हैं? बराती करते हैं। मामला जितना भी बिगड़ा, किसने बिगाड़ा? बराती होने। ये चाहिए, ऐसी व्यवस्था चाहिए, ये आवश्यकता होना। अड़ा दिया दूल्हे को, भड़का दिया कि देख कुंवर, तू तो इतना दहेज मंगना तो बोलना नहीं, तो कुंवर साहब मुंह पे रुमाल रखे बैठे रहे। बेटी का बाप है, कुंवर साहब भोजन कर लो, कुंवर साहब चलो, कुंवर साहब आगे की रस्म करो। कुंवर साहब हां करे ना हूं करे। कोई गुरु मिला, उसने कहा भैया तू ये बरातियों के चक्कर में पड़ा क्यों? तू सीधा जा और दूल्हा के और दूल्हा के बाप से बात करके, मेरी और तेरी बात तो कुकू कन्या की हुई थी, तू सबके सामने मेरी पगड़ी क्यों उछलता है? वह गया और उसने दूल्हा के बाप से कहा कि देखो ब्याई जी साहब, मेरी और आपकी बात तो कुकू कन्या की थी, अब मैं सब ये नहीं दे सकता। इसलिए भगवान से हम कहें कि प्रभु मेरे पास दो हस्तक और एक मस्तक है, इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं दे सकता, मैं आपको दूं क्या?
तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये तो सब तो तेरा है। इसलिए हम बीच के चक्कर में नहीं पड़े। सुदामा के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने नौ योगेश्वरों की कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनाई, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं की कथा कि जहां से जो शिक्षा मिले उसे लेते चले। आज सातवें दिन में हम सब भगवान की कथा सुन रहे हैं। तक्षक जाति का नाग समय से दंश करने के लिए अपने नाग लोक से निकल पड़ा था। एक नकली ब्राह्मण बनकर के वह गया। इनके पुत्र जन्मेजय ने सात प्रकार का सुरक्षा घेरा बना करके रखा था, पर तक्षक जाति का नाग सुखदेव जी महाराज की कृपा से जब तक सुखदेव जी रहे तब तक तो नहीं आया, पर एक फूल में छोटा सा कीड़ा बन के बैठ गया। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने निवेदन किया कि पूज्यवर, मुझे तो लोगों ने बहुत डराया था कि नाग के काटने से कोई इलाज नहीं है, अधोगति होगी, पर आप जैसे सदगुरु मिले जिन्होंने मुझे इस गंगा की भूमि के तट पे विशाल वट वृक्ष के नीचे मोक्ष प्रदायिनी सप्ताह परायण की विधि से श्रीमद् भागवत की कथा का पान कराया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हमें भी भगवान से क्या निवेदन करना चाहिए? प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, ना वेद पुराणों का ज्ञान है ना गीता भागवत का ज्ञान है, पर इस बात का मुझे विश्वास है कि आप जैसे अच्छे गुरु मिल गए, हमें भी क्या निवेदन होना चाहिए? राजा परीक्षित की भांति, नहीं जानू मैं तो वेद पुराण नहीं जानू।